तीन लोग पे राज मेरे महादेव का अखंड है, मैं दास हूँ उनका, मुझे इसी बात का घमंड। सबने फेंक दिया था मुझको पत्थर सा उछाल कर, हीरे के जैसा रखा है महादेव ने मुझे संभाल कर। बोल दे बेटू, बम बम बोले, बम बम बोले। तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं बनारस महादेव का दर्शन करने, और हमारे साथ हमारा बेटा, हमारी वाइफ, मतलब मान लीजिए हमारी पूरी फैमिली आई है, तो बनारस का दर्शन करने जा रहे हैं। दोस्तों हम लोग तो बनारस तक पहुंच गए हैं, अब लग रहा है महादेव का दर्शन हो जाएगा। अपने परिवार के साथ हम यहाँ पहुंच चुके हैं अभी, क्योंकि यहाँ से 500 मीटर लोग बता रहे हैं कि यहाँ से 500 मीटर मंदिर पड़ेगा, जा रहे हैं। देख रहे हैं कितना भीड़ है, हमारी अभी नॉर्मल भीड़ है क्योंकि धूप होता जा रहा है ना, इससे भीड़ कम होती जा रही है। हमारे पीछे देखिए आते जा रहे हैं, कुछ लोगों के पीछे हूँ, कुछ लोग आगे आ जा रहे हैं। भाई हम बनारस स्टेशन आ गए हैं, और यहाँ देख रहा हूँ स्टेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है कांवड़ियों का, क्योंकि हमारे सामने जा रहे हैं। हम बनारसी हैं गुरु, हम पर भोलेनाथ का साया है, हमारे लिए महादेव ही सब कुछ है। तीन लोग पे राज मेरे महादेव का अखंड है, मैं दास हूँ उनका, मुझे इसी बात का घमंड है। देखिए गाइस बनारस इतना बड़ा घाट है, लेकिन अभी गंगा माँ जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे घाट की चौड़ाई कम होता जा रहा है। मान लीजिए बनारस का जो नहाने का स्थान है, यहाँ तक पानी चढ़ाया है गाइस। कांवरियों को या और श्रद्धालुओं को नहाने में बहुत कष्ट हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, देख रहे हैं। गाइस मैं ये बता देना चाहता हूँ, बनारस इतना बड़ा घाट है, क्योंकि अभी गंगा नदी की बाढ़ हो गया है, यहाँ कंवरियों में और जो आ रहे हैं ये काफ़ी बड़ा घाट है बनारस, क्योंकि अभी देखिए इतना छोटा सा। देखो हम तीनों गंगा स्नान कर लिए,
चले सामान ले जाती है हम लोग मंदिर का दर्शन कर दिए, बोल दो बेटू। दोस्तों हम लोग दर्शन करके भोले बाबा के अब चल रहे हैं स्टेशन की तरफ, जाएंगे अपने घर। हम तीनों दर्शन कर लिए, गंगा स्नान भी किए और यहाँ आके भोले बाबा के दर्शन किए। मतलब एक शहर मतलब गेट से बाहर निकल ये जहाँ मार्केट है वहाँ चल रही है। बनारस मार्केट यात्रीगण कृपया एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रेलवे लाइनों को पार न करें। रेलवे लाइन पार करना दंडनीय अपराध है। ये देखिए देख रहे हैं गाइस, स्टेशन काफी बड़ा स्टेशन है। सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती न करें। यही एक ऐसा स्टेशन की हर रूट की किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा दी गई वस्तु न खाएं और न पिए। इनमें विषैला पदार्थ हो सकता है। जल अमूल्य है।